तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। क्यों? वो तुमसे मिलने आई है। उसकी क्या जरूरत है? उसका ख्याल है उसे इस तरह सबके बीच तमाशा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था उसे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उससे जाकर बात करो। वो आने जाने वालों का रास्ता रोककर खड़ी है, उसे कहो गाड़ी हटाए। गाड़ी नहीं हटाएगी, तुम्हें उतर कर आना पड़ेगा और बात सुननी पड़ेगी। बात नहीं करूंगा उससे। तो तुम क्या बद्दुआ दोगे उसे? वो जैसे देते हैं कोई बद्दुआ, चाहो तो कसम ले लो। वो नहीं आएगा। क्यों? कहता है बात नहीं करूंगा उससे। ये मजाल। रुको माहीन, यहाँ तो उसे अपनी मर्जी करने दो। तुम तो नाना से बड़ी पॉलिटिशियन हो, हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ जाते। अब गुलरेज ऑपोजिशन में है क्योंकि कल रात तुमने उसकी हुकूमत गिरा दी। बाहर निकलो। चलो मेरे साथ, तुम बाहर तो निकलो। फॉक्सी लेके हमारे पीछे आ जाओ। तुम गाड़ी चलाओ। तुम नाराज हो ना? अरे नहीं, खुश हूँ बहुत। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के दिल कर रहा होगा ना? तुम्हें पता है मैं इतनी दूर वीराने में तुम्हें क्यों लेकर आई हूँ? ताकि तुम मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारो, तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा और मेरा भरम रह जाएगा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं ये भी जानती हूँ कि दुखे हुए दिल की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। मैं तुम्हें बद्दुआ देने से मना नहीं कर रही, लेकिन मैं बेकसूर हूँ गुलरेज। अनजाने में जिंदगी को क्रिकेट मैच की तरह खेलती हूँ। मैच जितवाने में तुम बुरे नहीं हो, लेकिन दिल ने कहा कि जीत उसी के हाथ से होगी, इसलिए तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखा। अब बताओ, तुम माफ करोगे या थप्पड़ मारोगे? मुस्कुरा क्यों रहे हो? मोहब्बत में माफी कौन मांगता? तो जिससे मोहब्बत नहीं होती उसे तो कभी माफी नहीं मांगते। और वो जो तुम्हारी इंसल्ट हुई उसका क्या करोगे? एक खत लिखा था तुम्हें कि तुम मुझे कभी दुख ना देना, क्योंकि मैं दुख से लेता हूं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया ना? सो बैड, प्लीज माफ कर दो। फिर वही बात, सोचती हूँ मेरी शादी किसी और से होगी तो तुमसे नजर नहीं मिला पाऊँ। किसी और से मतलब? वकार की बात कर रहा हूँ। नाम लो उसका। उसका भी अभी डिसाइड नहीं किया है, बस लगता है कि वो भी हो सकता है। अरे बेवकूफ ऑलराउंडर है, तुम्हारी टीम में नहीं होगा तो तुम्हारी टीम ही चलेगी। खाना खाए? खाना? मैंने सोचा था अगर तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो गैंग के फंड से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। राजू